मेरा नाम मोहम्मद दिलबर है। अरे बाप रे, मोहम्मद दिलबर जी, आप दिल देते हैं बहुत। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफिस से होंगे। और भाई क्या हाल चाल है? सुबह का हमारा व्लॉग का आगाज हो गया है, कोई 12 बज रहे और 2 बजे मेरा निकलना है डेजर्ट सफारी। ठीक है जी, तो डेजर्ट सफारी कल निकलते हैं 2 बजे, और उसके बाद तो फिर रात हो जाएगी, क्योंकि जो है ना डेजर्ट जाना आने में टाइम लग जाता है भाई, सीधी बात है। तो इसलिए फिर मैंने कहा ब्लॉग अभी से थोड़ा जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लूं, उसके बाद फिर गप्पे छप्पे लगती रहेंगी। वैसे मैंने ये पहना हुआ है, लेकिन सोच रहा हूँ कि ये शर्ट चेंज और इसकी जगह पे ब्लैक शर्ट पहन के जानी चाहिए। तो ब्लैक शर्ट पहनते हैं और उसके बाद निकलते हैं फिर डेजर्ट की तरफ। उससे पहले कुछ खा लेते हैं, खा के फिर डेजर्ट जाते हैं, क्योंकि भूखा नहीं रहना भाई वहाँ, तो फिर रात को डिनर ही मिलता है। तो अभी 12 बज रहे हैं, तो हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, रात को फिर डिनर उधर कर लेंगे। इधर पड़ा हुआ है और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है, जब यहाँ बैठो तो ओए होए, इन चीज़ों को फिर मिस भी करेंगे। सारी बात है, वक्त के साथ तो मिस तो करना पड़ेगा। और यहाँ का जो है ना बाहर का कुछ मौसम आज ये है, मज़ेदार अच्छा मौसम है, मतलब धूप निकली हुई है, तो थोड़ी सी जो है ना बाहर से घूम फिर के आते हैं, थोड़ा सा गर्मी लग जाए, क्योंकि एसी में बैठ बैठ के ना जाम हो गया बंदा। तो चलते हैं वहाँ पे। और अच्छा, कल एक कमेंट्स आया था कि दिलबर तुम्हारे पास जो है ना ये 2 शूज़ क्यों पड़े हुए हैं? तो भाई मेरे पास ये 3 शूज़ हैं, अभी इसका क्या बोलोगे फिर आप लोग? भाई वो रोज़ आते हैं चेंज करके जाते हैं, 1, 2, 3, मेरे पास तो 3 है फिर। तो खुदा के लिए ये चीज़ें ना किया करें, ठीक है? कुछ तो खुदा का खौफ कर लें, कुछ तो कर लें। पता नहीं कब समझना है आप लोगों ने, समझ आई ना? सुधर जाए तो अच्छा है। 1, 2 और 1 ये भी बंद पड़ी हुई है, ये 3 है, फिर इसका क्या करेंगे? हर चीज़ की सफाई देनी पड़ती है, कसम से। क्या टाइम आ गया यार, कसम से ना, क्या टाइम आ गया। रास्ते में ये रायता, पराठे आलू वाले, और उसके साथ जो है ना क्या कैटल में जो है ना उन्होंने जो क्रिसमस का वो लगाया हुआ है। वेट कर रहा हूँ, नीचे आया हूँ, तो मैंने कहा जब तक गाड़ी आती है तब तक वेट करते रहें। और इन्हें इंटर जिस पे हम लोग आए हैं क्वेटा की ये, और अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे करेंगे, 15-20 मिनट, क्योंकि ये देखें पैर की हवा निकाल रहे हैं ये लोग। उसके बाद हम लोग डेजर्ट जाएंगे। आई थिंक हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। आप राइड वगैरह छोटी छोटी जो भी अरबिक स्टाइल करना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन 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 रिजवान भाई ने बोला चेक करते हैं क्या होता है। रिजवान भाई, आप पूछ रहे हो कि ये कहाँ से है, तो रिजवान भाई जो है ना इंडिया से हैं और वो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टाइल जो है ना हम लोगों ने दे दिया कि भाई बोलो बोलो, ओके 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 ओके। तो ये रहे हमारे रिजवान भाई जो है ना, हम लोग चलते हैं आगे, और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या मंजर है। भाई ये देखो भाई, ये जो है ना यहाँ पे बहुत चार्जेस दे रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई हम तो नहीं कर रहे, ठीक है भाई। तो अभी चलते हैं, बस इसको ये दिखाएं, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं आगे डेजर्ट पे। और आगे का डेजर्ट पे आपको जो हमारे साथ होने वाला है वो आप देखना मत भूलिएगा, लाजमी देखिएगा। यहाँ हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत अच्छा, और मज़ा भी आ रहा है मुझे डेजर्ट पे, ठीक है? क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं आया था वो इमरान भाई को भी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे फर्स्ट टाइम भूलने के आए थे। अब जो है ना मैं अकेला हूँ, चलो कोई ना, इन्जॉय तो करना है भाई, आ गया तो फिर अभी इन्जॉय करना पड़ेगा। तो इन्जॉय करते हैं।
वहाँ से आपको जो है ना ये गाइड करते हैं कि आपने जो है ना कैसे जाना है क्या। जब आप यहाँ आते हो ना और कोई आपको अपनी ज़बान का मिल जाता है तो फिर उसका अलग ही मज़ा है, ठीक है। सुबह भी मुझे होटल में एक बंदा मिला अहमदाबाद का, बहुत खुशी हुई कि यार पाकिस्तान का है। और खुशी होती है यार, आपको अपनी कंट्री का कोई मिलता है तो ये तो हकीकत है। अभी ये देखें यहाँ पे सारे वेट कर रहे हैं, अभी चलते हैं आगे। यहाँ हॉर्स राइडिंग भी है, ठीक है, आप यहाँ हॉर्स राइड कर सकते हो, कैमल राइड भी है, जो भी आपका दिल करे, बस पैसा हो तो फिर सब कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे खड़े होकर ना, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, ठीक है। ये देखें वो उसको लेके, मुझे उसने बोला है हाथ पे उठाओ, मैंने कहा नहीं भाई मुझे डर लग रहा है। पिक्चर भी बना देते हैं, चलते हैं कुछ खाते हैं। रिजवान भाई तो पहले पहुंचा हुआ है, चलते हैं कुछ खा लेते हैं। शॉट आपको दिखाता हूँ, ये देखें सारे यहाँ सजवे धा रहे हैं। ये ड्रेसिंग यहाँ पे होती है, ये बेली डांस, ये ड्रेस वगैरह सारा कुछ, तो यहाँ कंप्लीट पूरा आपको मिल जाता है। ये गाड़ी में जा रहे हैं और मैं आपको ना अपनी एक सुनाता हूँ, तो आप उनसे मिलें और बातचीत करें। कौन? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, तबीयत ठीक है। आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं? मैं तो मेरी दोस्त के साथ आई हूँ। अच्छा, सफारी में। आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ। अरे वाह, अरे वाह, मेरे सब्सक्राइबर्स का रसगुल्ला आपको, ये आपको पता है? बहुत मशहूर है, मैंने सुना है। नहीं खाया नहीं है लेकिन सुना बहुत है। इधर भी मिलता है? अच्छा, इधर मिलता है। आप किधर के हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ। आप ब्लॉगर लग रहे हैं मेरे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ब्लॉगर हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दिलबर है। अरे बाप रे, मोहम्मद दिलबर जी, आप दिल देते हैं बहुत। नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। डेजर्ट में हम लोग जा रहे हैं और अंकल लेके जा रहे हैं हमें। अगर डेजर्ट आप आते हो तो इनसे जरूर रब्ता करना। भाई आपका नाम क्या है? शरफ। शरफ, और ये क्या किस तरीके से आपसे रब्ता करें ये लोग? कैसे? कोई वो तो बताओ ना, सोल्यूशन बताओ कि भाई इस तरीके से इनसे रब्ता करना है। ट्रेनियो तो ले सकते हैं आप? ले सकते हैं, मुश्किल नहीं है? नहीं नहीं, चलो गुड है भाई, गुड है। डेजर्ट, और अभी जो है ना हम लोग पहुँचे हैं यहाँ, लेकिन अभी हम लोगों ने आगे जाना है। इसके अंदर गाड़ियों ने वो देखे, वो ये घूम रही है और ऐसे हम लोगों ने भी घूमना है, ठीक है। तो अभी इसको घूमने के लिए हमें टाइम है, ये सारे यहाँ प्लान कर रहे हैं, पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं, जो भी आई थिंक, मुझे नहीं पता। और इन्होंने सब ने एक साथ निकलना है, तो सारी गाड़ियाँ स्टार्ट है। अभी ये पता नहीं किस टाइम निकलते हैं, जिस टाइम भी निकलते हैं, निकलेंगे तो फिर भाई नहीं। रिजवान भाई ने बोला कि यार मेरे ना वीडियो नहीं बनाना, सॉरी, नाराज़ भी नहीं होना। कुछ लोग होते हैं ना जिनको नहीं पसंद होता भाई, तो मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एक बंदे को नहीं पसंद तो क्या कर सकते हैं। फिर देखें अभी गाड़ियाँ बगाना शुरू हो गए, इन्होंने बोला अभी बैठो बैठो बैठो। के लिए भी हम लोग यहाँ रुके हैं, यहाँ पे जो है ना ये सन राइडिंग होगी, उसके बाद जो है ना हम लोग फिर आगे जाएंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं पहले कौन करता है। ये मेरा हीरो, ये मेरा हीरो, ये मेरा हीरो, ये चीज, ये घर के और जा रहे हैं।
इसका सही एक और एक ये जा रहा है जाने का ये बेबी का ओह वेरी गुड 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 हो एक आंटी और जा रही है देखते हैं ये क्या करती है ये बंदी हमें जो है ना उधर पीछे मिली थी इधर भी ये मुझे दिखी है कैसे हैं आप ठीक है इधर भी पहुंच गए अब आप इधर पहुंच गए मैं नहीं मैं पहले आ गया हम तो पूरा कवर कर रहे हैं ना ये तो आप भी पूरा देखने फर्स्ट टाइम आए हो नहीं फर्स्ट टाइम तो नहीं मैं अच्छा, दूसरी बार आई हूं अच्छा अच्छा मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूं आप और किस किस को दिल दिए इधर नहीं मैं किसी को अभी तक अभी किसी को दिल नहीं दिया अभी सिर्फ ये देख के इधर ही दिल का इरादा है नहीं डेजर्ट में कहां बंदा दिल देता है डेजर्ट में क्या देता है डेजर्ट में जो है ना अपनी जान देता है दिल देता तो आपसे जो है ना मुलाकात की है बहुत अच्छा लगा कैसे लग रहा है दुबई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दुबई मेरी विश थी वो पूरी हुई है हाँ। तो मैं वैसे दूसरी दफा आया हूँ पहले भी आया था अच्छा तो पहली दफा डेजर्ट मुझे मेरे दोस्त ने दिखाया था अब दूसरी दफा मैं अकेला निकला हूँ तो कोई नहीं मिल रहा था लेकिन नहीं हमारे तरफ है डेजर्ट है लेकिन ये चीज नहीं है डेजर्ट है लेकिन ये चीज हाँ ये यूनिक है ये चीज हमें अगर वहाँ मिल जाए तो फिर हम यहाँ क्या करने आएंगे चले थैंक यू डेजर्ट से घूमने के आने के बाद गाड़ियों की यहाँ होती है सर्विस मतलब ये कि एयर फिल्टर वगैरह इनको जो है ना हवा मारते हैं ताकि जो है ना वो मिट्टी की वजह से जान आ जाए इसके तो यहाँ हवा वगैरह भरवा ली है अभी लगवा भी दिए यहाँ टायरों पर भी यहाँ अरबिक स्टाइल बनाया हुआ इन्होंने वाह ये भी है मेरे पास सामान अवार हो गया वरना मैं लेना चाहता था बहुत कुछ लेकिन दरबारी ट्रैवल है ये इस पे आए हैं हम लोग चलते हैं अंदर अगर अंदर चल के आपको दिखाते हैं ये रूटीन है ठीक है जी तो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमें ये भी है अंदर का ये माहौल है कुछ देख लें आज हम लोग नीचे बैठेंगे उस दिन में वो जो आए थे वो दूसरे ऊपर था वो ये वीआईपी वालों के लिए है हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे ले लिया वीआईपी सीट ठीक है वीआईपी का अलग मजा है और जो लोकल है उसका अलग है तो हम लोगों ने वीआईपी ले लिया लोकल वाला नहीं लिया भाई सीधी बात है वीआईपी लिया के आराम से बैठ के यहाँ से रिजवान भाई और मैं तो यहाँ जो है ना ये लोकेशन ये चीज़ है अभी तो ये जब डांस चलेगी फिर उसका आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं अभी फिलहाल हमने ये चीज़ें आपको दिखानी है देख लो बुफे सिस्टम है तो बुफे सिस्टम में मैं आपको दिखाता हूँ चिकन आलू मटर कीमा चना दाल अच्छा नूडल्स और भगवानी पुलाव हम देखें मीठे में ये मीठा और ये फ्रूट चाट ये भी आप ले सकते हो तो अब यहाँ ये जो वी आई पी है उनके लिए यहाँ लगा हुआ जो नॉर्मल है उसके लिए फिर उधर बाहर है ये वी आई पी के लिए सिर्फ इधर लगा हुआ है
है दुबई मॉल। जाते जाते हम लोगों ने दुबई मॉल का भी विजिट कर लिया। चलो ये भी बेस्ट है। बस अभी उतर तो नहीं रहे हम लोग, सिर्फ दो छोकरों को छोड़ना था। बांटी के पास मैं आया हूँ क्योंकि उन्होंने बुलाया तुम जा रहे हो तो मुझे मिल के जाओ। तो इस पे आए हम BSB, इस पे आए हुए हैं। ये रेस्टोरेंट है और मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पूरा देसी मॉल है। ये देखें पूरा देसी लस्सी केटल ये चीज़ें। अब चलते हैं, सब आंटी आगे बैठी हुई है, वहाँ चलते हैं। और वहाँ चल के उन्होंने निहारी और हलवा पूड़ी मेरे लिए स्पेशली मंगवाई है, तो वो चल के खाते हैं। रही हमारी हलवा पूड़ी। वाह, पाकिस्तान में इतना दिन से मैं नहीं खा पा रहा था लेकिन यहाँ हमें मौका मिल गया भाई। और बाबर साहब ये तो आपकी स्पेशल निहारी, मैं मज़े से खा रहा हूँ ठीक है। जब तक तुम देखोगे और मुझे डायलॉग मारोगे कि नज़र लगने से पेट में दर्द होगा, तब तक मैं खा चुका हूँ और ये व्लॉग भी आ चुका होगा। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आज के व्लॉग में हम लोग डेजर्ट सफारी गए थे और उसके अलावा जो है ना वो इंडियन फैमिली थी जिनके साथ मैं घूम रहा था, वो मुझे घूमने ले गए थे। और उसके अलावा और हम लोगों ने क्या किया, हाँ अभी सब आंटी के साथ गया था, वो भी घूम फिर के आया हूँ। तो बाकी जो मेरी वॉइस चलाई जा रही है, जो लोग चला रहे हैं, जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, उनको करने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि भाई ये बात मैंने कही थी लेकिन आज की बात नहीं है, ये बातें बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी हैं ठीक है। अब बहुत पुरानी बातों को लेके तुम अभी पीछे से बैठे हो तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो कुछ करना है करते रहो, तुम बेनकाब हो गए हो, तुम्हारा लोगों को पता चल गया है कि तुम कैसे थे और तुम मतलब लोगों की क्या इज्जत करते हो, तो मुझे तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है भाई। सीधी बात है, मुझे तुम्हें सफाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लड़की तुम्हें बहन बोलती भाई बोलती है, तुम उसको इतना गंदी गालियां दे सकते हो तो मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे पीछे तुम शुरू से पड़े हुए हो, सिर्फ मुंह पे बोलते हो कि ये वो फलां, उस्ताद साजिद के पीछे पड़े हुए हो, सबके पीछे पड़े हुए हो भाई तुम। तुम्हें सिर्फ अपना वो दिमाग चलाना है और अपने आप को दादा बनाना है। तो दादाजी आप जो है ना अपना आराम से बैठो ठीक है, मेरे खिलाफ कुछ भी ना करो तो बेहतर है ठीक है। अगर ये चीज़ों पे आए तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चला सकता हूँ ठीक है ना, लेकिन मेरा वो दिमाग नहीं है जो दिमाग तुम्हारा है। तुम्हारा दिमाग है कि ब्लैकमेल करके दूसरों को जो है ना लूटूं पुटूं और खाऊं। मेरा वो दिमाग कभी ना था और ना ही कभी रहेगा। तो मेरे खिलाफ नहीं जाओ तो बेहतर है ठीक है, बिल्कुल नहीं जाओ तो बेहतर है, वरना फिर जाओगे तो आप भी एविडेंस खेलोगे, हम भी एविडेंस खेलेंगे ठीक है। तुम इतना नेक पाक बने हुए हो, तुमने पहली बात ये कि हमारी सरेकी जबान जो है तुमने उसको गाली दी है कि मैं सरेकियों को ये वो फलान, तो उस पर तुमने गाली दी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि किसी की कास्ट के ऊपर इतना गंद बकवास करते हुए, शर्म आनी चाहिए यार, शेम ऑन यू ठीक है। इतना तुम वो गए हो इस चीज़ को। दूसरी ये कि तुम बोलते हो कि मैं जो है ना सितारा के ऊपर ये टैग हटवा दूंगा, ये कर दूंगा ये, तो तुम हमें दूर करके टैग हटवा के तुम क्या साबित करना चाहते हो, मुझे ये तो बताओ तूम क्या साबित करना चाहते हो। बड़े तुम हाथों खान भर के बैठे हुए हो यार, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। खैर मुझे तुम्हारे पर कोई बात नहीं करनी, ना ही मेरे पास इतना कोई फजूल टाइम है कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर तुम्हारे पर कोई व्लॉग व्लॉग बनाता रहूँ। तुम अपनी उसमें मस्ती में मस्त रहो, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं भाई ठीक है। तो बस तो वो बोलते ना तू मस्त रहे अपनी मस्ती में, ना छेड़ किसी की मस्ती को, जब आप छेड़ोगे तो फिर हम भी छेड़ेंगे ठीक है ना। तो उससे बेहतर है कि ना तुम हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़ें, तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो, अपनी मस्ती में मस्त हैं। तुम थे ना, तुम उसको लेके क्या कहते हैं उसको लेके लाइव बैठे हुए थे बेबो को, जो तुम तो बोलते हो तुम हमारे स्पॉट रहो, फिर उसको क्यों लेकर लेके लाइव में बैठे हुए थे ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, फिर ऐसी बातें निकली तो फिर बातों पे बातें खुलेंगी। खैर खाली वाली मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल का व्लॉग एक इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग कहानी भी आपको बताऊंगा मैं कि क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।